डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मीनिंग तो समझ गए हो यहाँ, कि जहां पर हम एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, बराबर है। ध्यान से देखिए डेफिनेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी, हैविंग नियरली सेम एनर्जी और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म a new 4 hybrid orbitals, to form a new 4 hybrid orbitals with maximum symmetry called as sp3 hybridization। एक जनरल ऐसा बोलेंगे कि यहां पर हम एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, है ना, जिसे कहेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल, ओके, इनको मिक्स करेंगे जिससे तैयार होगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, और आगे हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके होगा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। एग्जांपल में फिर बताता हाइड्रोजन क्यों बोला। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, इसमें s कैरेक्टर का परसेंटेज कितना रहेगा और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर का कितना परसेंटेज रहता है। यस, टोटल ऑर्बिटल कितने, 4 टोटल ऑर्बिटल, 4 है, 4 में सुनिए s कितना है, 1 है, कितना आंसर आ रहा है इसका 100 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 25% s कैरेक्टर, और p कितने, 3 है, ओके, 100 डिवाइडेड बाय, यस सुनिए, 300 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 75%, मतलब यहां पर s कैरेक्टर 25% है, फिर p कैरेक्टर कितने, 75%। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल है इसकी CH4 मॉलिक्यूल, ओके, जिसे हम कहेंगे मीथेन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4 एंड द सेंट्रल एटम इज कार्बन। ये आप नोट डाउन कीजिएगा जो बोलता हूं मैं, तो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4 एंड द सेंट्रल एटम इज कार्बन। यस, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 एट ग्राउंड स्टेट, ओके। लेकिन CH4 मॉलिक्यूल में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, कितने, 4। तो कार्बन के पास, सेंट्रल एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो यहां पर कार्बन क्या करेगा, अपने आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगा, मतलब 2s के इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगा किसमें, 2pz ऑर्बिटल में। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है कि ये z वाला होगा, x भी हो सकता, y भी हो सकता, z भी हो सकता। यस, तो ध्यान से देखिए 2s का एक इलेक्ट्रॉन किसमें प्रमोट हुआ, 2pz में। यस सर, ओके। तो इस तरह यहां पर देखिए इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। ये रहेगा es1 एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। यस, चलिए यहां पर ये s ऑर्बिटल था और ये p ऑर्बिटल। यस सर, ओके। अब हमने क्या किया कि s ऑर्बिटल को और p ऑर्बिटल को कंबाइन कर दिए। यस, s और p को कंबाइन करने के बाद तैयार हो जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सुनिए ये 1 2 3 4। यस सर, सुनिए ये 1 2 3 4, ये रहेगा sp3, ये भी है sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि s कैरेक्टर थोड़ा इसमें भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, मिक्सिंग करने के बाद, ओके। चलिए ये एग्जांपल कैसे, मान लो आपके पास में हमने 3 लड्डू दिए, ओके, बूंदी के, और एक लड्डू जो है मोतीचूर का समझ लो, है ना। अब देखो कितने लड्डू हो गए, 4। अब क्या किए कि हमने इस ये चारों लड्डू को तोड़ दिए और बाद में इनको डबल मिक्स करें, तो सेम साइज के कैसे हो गए,
कि कुछ मोतीचूर का कैरेक्टरिस्टिक इसमें आएगा, पहले लड्डू में भी आएगा, दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, चौथे में भी आएगा। सेम बात वही है, है ना, कि यहाँ पर एस और पी ऑर्बिटल को हमने कंबाइन किए तो क्या हो जाएगा इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्या रहेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखिए जब यहाँ पर हमने इसको मिक्स किए हैं, क्योंकि एस ऑर्बिटल का शेप तो कौन सा था स्फेरिकल और पी कौन सा था डंबेल शेप, मिक्स करने पर क्या होगा इसका रिकास्टिंग होगा और शेप कुछ इस तरह हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक, दो, तीन, चार, यस सर, ओके। यहां पर प्रेजेंट है कार्बन, ओके, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, दो, तीन, चार, क्योंकि जब हम एस और पी ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं तो ये ऐसा लूप तैयार होगा, है ना। लास्ट लेक्चर में बताने का एक लार्ज लोब और एक स्मॉल लोब, यस। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, चार, और चारों भी अनपेयर्ड एक्साइटेड स्टेट में, यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब इससे जो बॉन्डेड एटम है वो है हाइड्रोजन एटम, यस सर, कौन सा एटम है हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्डेड एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s, वन। कितने बार लेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, इसका स्पिन अपोजिट बता देता हूँ, क्योंकि अपोजिट स्पिन रहा तभी तो इसका बॉन्ड तैयार होगा इसमें, है ना, यस। चलिए, एक, दो, तीन, चार, एच, 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 यस सर, ओके। एक हाइड्रोजन एटम इसका एक इलेक्ट्रॉन, और एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा होता है स्फेरिकल इन शेप, यस सर, एच, ओके। ध्यान से देखिएगा, दूसरा एच इसका एक इलेक्ट्रॉन, चलिए ये स्फेरिकल इन शेप होगा, यस सर। तीसरा एच इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये स्फेरिकल इन शेप था, यस सर, ओके। और चौथा एच इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा स्फेरिकल इन शेप, यस। क्या तैयार होगा इसमें CH4 मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल, ओके। सुनिए, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, है ना, या फिर 109.5 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ध्यान से देखिए, ये कार्बन, यस सर, हाइड्रोजन कितने चार है, एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच और ये चौथा, यस सर, ओके। सुनिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, CH4 मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल है इसका सर 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, यस सर, ओके। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल पहले तैयार हो गए थे इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन ने शेयरिंग किया, तैयार हो गया इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, इसका बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ओके। ये शेप कौन सा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन से बताइए आप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यस, कौन सा ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जहां इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ओके। बस यही पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना था, ओके। तो ध्यान से देखिए, वीबीटी ने ये नहीं बताया था कि यहां पर जो ओवरलैपिंग होगा, ओके, तो इन सबका बोले बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा क्योंकि एनर्जी अलग अलग रहेगा, है ना, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया कि इन सभी का बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगा, यस। और बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पर 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, यस। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको नोट डाउन कैसे करेंगे, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4 एंड द सेंट्रल एटम इज कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0 एट ग्राउंड स्टेट, ओके। बट वन इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s ऑर्बिटल प्रोमोट इनटू द 2pz ऑर्बिटल, सो कार्बन एटम कंटेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट्स, ओके, दैट इज s एंड p ऑर्बिटल। इफ वी कंबाइन दिस ऑर्बिटल दैट इज s 1s एंड 3p ऑर्बिटल, सो इट प्रोड्यूस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। एंड द बॉन्डेड एटम और कॉर्नर एटम इज हाइड्रोजन, सो मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन 4 कॉर्नर एटम्स, that's why we taking 4 types of electronic configuration of hydrogen atom, that is, okay, 1s1, okay, these unpaired electron of hydrogen atom and unpaired electron of carbon atom form CH bond, okay, that's why it produces CH4 molecule,
okay, so we can say that CH4 molecule is formed by sp3 hybridization. Okay, it has tetrahedral geometry and bond angle 109 degree and 28 minutes. Okay, aisa aapko note karna hai. Dusra point dhyan se dekhiyega. Second example is mein ammonia molecule. Okay, chaliye iska screenshot nikal lijiye. Page number 3rd, the regular lecture ke hisab se. चलिए ध्यान से देखिए. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे तैयार होगा वह एक्सप्लेन कर देता हूं. यस ठीक है, लिखने का सेम मेथड है. यहां पर अमोनिया में नाइट्रोजन एटम सेंट्रल एटम रहेगा, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेना है. यस चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. ओके देखिए, ये उन स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं मैं जो डिटेल स्टडी करना चाहते हैं. हालांकि शॉर्ट ट्रिक से 10-15 सेकंड में भी आंसर आ जाता है इसका, है ना, अगर एक बार मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया तो. ओके नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखिए आप. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. यस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. The molecular formula of ammonia is NH3, okay, and the central atom is nitrogen. So the atomic number of nitrogen is 7 and electronic configuration 1H2, 2H2, 2PX1, 2PY1 and 2PZ1 at ground state. Okay, इसके बाद में क्या आएगा? 3S आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 2S का इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो रहा 3S में. शेल सेम चाहिए. ओके सब शेल डिफरेंट हो तो अगर चलेगा. ओके लेकिन शेल सेम होना. सुनिए आप, यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यस सर, और 3 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, यस. ओके चलिए, ये s, ये 2s है और ये 2p. अब हम एक काम करते हैं, चलिए ग्राउंड स्टेट पर है. NH3 मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था 3 हाइड्रोजन जुड़ने के लिए, तो ये ऑलरेडी है, इसका हमें मतलब एक्साइटेड स्टेट लेने की जरूरत नहीं. एक काम करते हैं, हम s और p ऑर्बिटल को कंबाइन करते हैं. s कितने कंबाइन किए 1 और p कितने कंबाइन किए 3. सो ओके 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रहेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. बार-बार लिखने का sp3. चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर इसको sp3 HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यस सर. ओके इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 दो इलेक्ट्रॉन यहां, 1 1 1. यस चलिए नेक्स्ट है इसमें हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन कैटेगरी नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1. यस सर. ओके कितने बार लेंगे आप? 3 टाइम्स लेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, है ना. स्पिन अपोजिट बता दीजिए आप, एंड एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज. यस सर. H यस. चलिए यहां मैंने s और p ऑर्बिटल को कंबाइन किया, लेकिन देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास में, जिसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. s और p को हमने कंबाइन किए, तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड, थर्ड, अरे यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये एक अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड, और सेंट्रल एटम क्या है इसमें? नाइट्रोजन. यस सर. अब एक हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, है ना. ये शेप कौन सा रहेगा? स्फेरिकल शेप. कौन सा? एस ऑर्बिटल. सेकंड हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन. यस सर. थर्ड हाइड्रोजन एटम, इसका एक इलेक्ट्रॉन. ये आपस में शेयरिंग करके NH3 मॉलिक्यूल तैयार कर दिए. कौन सा मॉलिक्यूल? NH3. लेकिन खास बात क्या होगी कि यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा. ओके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, मतलब ये जो लोन पेयर है, सुनिए आप, ये नाइट्रोजन. यस सर. 1 2 3 एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री एंड 18 मिनट्स. सुनिए, यहां पर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड एंगल इसका थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. हालांकि इसका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स.
but due to the lone pair of electron, okay, due to the lone pair of electron, repulsion takes place between lone pair and bond pair. Okay, repulsion का आपको order याद होगा. देखिए ये तो हो गया sp3 hybridization. क्या हो गया? sp3 hybridization. Yes, है ना? यहाँ पर s orbital और p orbital मैंने combine किया तो फिर s लाके जोड़ दिया. Yes sir. ठीक है. तो यहाँ पर repulsion होना किसके बीच में? Lone pair और bond pair के बीच में. Okay, तो ध्यान से देखिए repulsion. Repulsion का जो order है lone pair. Yes sir. Okay. फिर lone pair, bond pair. Yes. bond pair. ये है repulsion का order. तो सुनिए आप, सबसे कम repulsion किस पे होगा? bond pair में. जैसे हम CH4 molecule देखे थे, जहां पर repulsion नहीं हुआ था, bond angle कितना था उसका? 109 degree and 28 minutes. Okay. लेकिन यहां पर lone pair और bond pair के बीच में repulsion होता है, तो repulsion होने के कारण इसका shape थोड़ा सा change हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम distorted tetrahedral. मतलब tetrahedral shape जो है इसका थोड़ा सा disturb हो जाएगा. और disturb कैसे होगा? ये hybridization ने नहीं बताया, ये explain किया VSEPR theory ने, valence shape electron pair repulsion theory. और उसने बताया था कि distort होकर के shape तैयार करता है pyramidal. कौन सा तैयार करता है? pyramidal. जो हम आगे पढ़ने वाले हैं VSEPR theory, valence shape electron pair repulsion theory. तो यहां आपको यह समझाना था कि इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा, बिकॉज़ द रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. ओके, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो तो बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज हो जाता, दैट्स व्हाई इट्स बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. ओके, सो कितना? 107 डिग्री एंड 28 मिनट्स. यस, आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. चलिए पेज नंबर 5 4. चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप इसका जल्दी से. चलो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, वाटर मॉलिक्यूल कैसे तैयार होगा? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, समझ लीजिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके, वाटर मॉलिक्यूल कैसे तैयार होगा? ठीक है, चलिए हाँ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मींस H2O मॉलिक्यूल. ओके, देखिए द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ वाटर इज H2 एंड द सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन. ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1H2 2H2 2px2 2py1 एंड 2bz1 एट ग्राउंड स्टेट. ओके, तो यहां पर H2O मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जो ऑलरेडी है. यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. ओके, p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 4 है सर. ओके, 1 2 3 4. यस सर, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, लेकिन यहां पर H2 मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, है ना? तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है. हम एक काम करते हैं, ये s और p, ये क्या बताइए? 2s था सर, और ये 2p, इनको हम कंबाइन करते हैं. ये तैयार करेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. 1 2 3 4, 1 2, ये और ये, ये रहेगा sp3 है ना, s कैरेक्टर इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा sp3, और ये HO हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो हमने क्या किया यहां पर? s और p ऑर्बिटल को कंबाइन कर दिए. कंबाइन करने पर क्या हुआ? इसका मिक्सिंग और रिकास्टिंग और शेप चेंज हो गया. सुनिए आप ध्यान से, ये ऐसा हुआ होगा, 1 2. यस सर, है ना? और ये तो एज इट इज है ना, ये 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 और ये. ओके, यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रल एटम रहेगा ऑक्सीजन एटम. यस सर. ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सुनिए, 2 4 5 6, आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर है, जिन्होंने बॉन्ड तैयार नहीं किया, मतलब जो बॉन्ड तैयार करने में टेक पार्ट नहीं है, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. यस, हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1. स्पिन उल्टा बता देते हैं, यस, अपोजिट स्पिन. यस, सुनिए आप ध्यान से, ठीक है? अब देखिए क्या होगा,
एक हाइड्रोजन एटम इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयरिंग किया ऑक्सीजन के साथ। यस, दूसरा हाइड्रोजन एटम इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग किया ऐसा। ओके, तैयार हो गया H2O मॉलिक्यूल। ओके, बॉन्ड एंगल देखिए, रिपल्शन के कारण इसका बॉन्ड एंगल और डिक्रीज होगा, मतलब जितने ज्यादा लोअर तरफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए बॉन्ड एंगल उतना डिक्रीज होगा ड्यू टू रिपल्शन। 104 डिग्री एंड 35 मिनट्स। यस, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर मतलब इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था इसका, बोलो एक्सपेक्टेड था 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सर्व है sp3, बट ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, रिपल्शन टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल कितना रहेगा इसका 104 डिग्री एंड 35 मिनट्स। यस, चलिए ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन एटम H, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल है इसका 104 डिग्री एंड 35 मिनट्स। ओके, चलिए इसका स्ट्रक्चर रहेगा डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री कौन सा रहेगा इसका, डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ओके, लेकिन देखिए VSEPR3 ने जो बताया कि यहाँ पर जो रिपल्शन हो रहा है इसके बीच में, ये इसको रिपेल करेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है ना, और इसका जो शेप रहेगा एंगुलर और वी शेप रहेगा, एंगुलर और वी शेप रहेगा, जो हम पढ़ेंगे आगे VSEPR3 में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यस, चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था रिपल्शन का ऑर्डर क्या है, रिपल्शन का ऑर्डर है सुनिए आप, लोन पेयर यस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर यस, और बॉन्ड पेयर यस। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक लोन पेयर, देखो ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा, ये लोन पेयर इसको रिपेल कर रहा, बराबर ना, और आपस में भी रिपल्शन हो रहा है इसका। यस, तो रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज होगा, इसलिए वाटर का बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू मीथेन। एक्सपेक्टेड कितना था 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। यस, मैं शॉर्ट कर लिख देता हूं यहां पर CH4, यस CH4 अमोनिया, यस और H2O, बॉन्ड एंगल ये है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, यस ये है 107 डिग्री यस एंड 80 मिनट्स, और 104 डिग्री एंड 35 मिनट्स। यस, चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जांपल थी किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, ओके, बाय।